स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा कासमी। पिछले 3 दिन से प्रगति मैदान में हॉर्टिकल्चर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल एक्सपो है ये। तमाम राज्यों से यहां पर ऑफिसर्स मौजूद हैं अपने अपने स्टेट्स की क्वालिटीज को लेकर। इस समय हम त्रिपुरा के एक स्टॉल में हैं। सर हमारे साथ हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम है अरिन मजुमदार। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। मेरा साथ मिस्टर अविनाश दास सर भी आया है। वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर त्रिपुरा से, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से। तो हम लोग बिलोंग करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सर आप जिस तरह से आपने बताया कि आप त्रिपुरा से हैं, तो त्रिपुरा में कौन से किसान हैं? जैसे हम देख रहे हैं यहाँ अनानास भी है, कई तरह की वेराइटीज के नींबू भी है, तो क्या क्या आप फार्मर्स की क्वालिटीज को लेकर इस एक्सपो में आए हैं अभी? हाँ, हम लोग का मेन पर्पस है इस एग्जीबिशन में हम लोग टू शोकेस द ऑल द विजिटर्स हियर। सब विजिटर्स को हम लोग दिखाना चाहते हैं हम लोग का स्टेट का यूनिक प्रोडक्ट क्या है, उसके हॉर्टिकल्चर में हम लोग का यूनिक प्रोडक्ट क्या है, इसको सब दिखाना है। ये मेन पर्पस है, सो दैट सबको मालूम हो जाए जो हम लोग त्रिपुरा में क्या क्या होता है, स्पेशल क्या होता है जो बाहर में इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो हम लोग का हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट में हम बोलूंगा हम लोग का जो स्टेट फ्रूट है, जो हम लोग का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी, स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया तो पाइनएप्पल को। वो पाइनएप्पल त्रिपुरा में के बहुत अच्छा है, उसका क्लाइमेट सॉयल सब कुछ फेवर करता है त्रिपुरा के लिए, पाइनएप्पल के लिए त्रिपुरा में। सो इसका टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जो आपको एनी वेयर बाकी इंडिया के दूसरा स्टेट में ऐसा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर नहीं मिलेगा। सर जैसे कि पाइनएप्पल के बारे में आपने बताया कि त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल है उसके फ्लेवर की अलग ही बात है, और कौन कौन सी वेराइटीज हैं यहाँ? अदरक भी देख रहे हैं, नींबू भी देख रहे हैं, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के चावल भी हैं, तो क्या क्या और खास है त्रिपुरा में कृषि के क्षेत्र में? पाइनएप्पल का दो वेराइटी मेनली है, क्वीन एंड क्यू। तो क्वीन जो है ना वो बहुत अच्छा होता है टेस्ट में, क्यू भी होता है। तो हम लोग को जो क्वीन वेराइटी है उसको हम लोग का प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट उसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है। मेनली टू वेराइटीज, दो ही अच्छा है टेस्ट में। क्वीन थोड़ा ज्यादा उसमें उसका रस ज्यादा होता है, उसका जो पल्प ये सब क्वीन में टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, क्यू थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा होता है। जी सर, शेल्फ लाइफ के बारे में जो है अनानास की वो सब जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक कॉमन इंसान भी घर में एक अनानास खरीदता है तो क्या शेल्फ लाइफ रहती है, और किस तरह से किसान उसको बाहर भी, जैसे कि आपने बताया कि बाहर भी अनानास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ एक क्राइटेरिया है? हम लोग जस्ट जो हार्वेस्ट होता है ना उसके बाद आप ऐसा नॉर्मल मार्केट से खरीदेंगे ना, आपका जो थोड़ा ग्रीनिश जब रहेगा आपका कुछ दिन रहे यू कैन कीप आप रख सकते हैं उसके, कितने बस ज़्यादा दिन रहेगा तो ओवर राइपन हो जाएगा, उसका टेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं आप जब खरीदेंगे बाजार से मार्केट से तो जल्दी थोड़ा जो ग्रीनिश होता है थोड़ा ऐसा पाइनएप्पल का आप खरीद लीजिए, खरीदने के बाद आप 5 दिन 7 दिन आप आराम से रख सकते हैं। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पाइनएप्पल के अलावा और हॉर्टिकल्चर के कौन से उत्पाद है त्रिपुरा में? पाइनएप्पल के अलावा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप हम लोग त्रिपुरा का जो उसका फेमिलियर है इंडिया में, जैक फ्रूट बहुत अच्छा होता है, जो कटहल बोलते हैं हम लोग, हाँ वो बहुत अच्छा होता है। उसका फ्लेवर वो मेनली येलो उसका फ्रूट से पिंक भी मिलता है। तो जैक फ्रूट हम लोग पाइनएप्पल जैसा हम लोग बाहर में भेज रहे हैं, अभी लास्ट टाइम लंदन में जो कंसाइनमेंट हम लोग भेजा है त्रिपुरा से, एंड पाइनएप्पल भी हम लोग बाहर में कंसाइनमेंट बहुत भेजा है, मिडिल ईस्ट में दुबई में जा रहा है, कुवैत में जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है, ऐसा जैक फ्रूट भी हम लोग कंसाइनमेंट बाहर में फॉरेन कंट्रीज में भेज रहा है। ऑलरेडी लास्ट ईयर लंदन में हम लोग ये इसको एक्सपोर्ट किया है, इससे त्रिपुरा को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी हो रहा है उसका। सर अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो त्रिपुरा में क्या कुछ खास ऑर्गेनिक में अभी कर रहे हैं, और क्या किसान ऑर्गेनिक के और जा रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ, ऑर्गेनिक में त्रिपुरा में अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम है सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट ही फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर है, त्रिपुरा में भी उसका ऑर्गेनिक जो एरिया है उसका डे बाय डे इसका इंक्रीज हो रहा है, उसका बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, उसमें कोई खाद नहीं डालते हैं फार्मर्स लोग, वो नेचुरली होता है, उसको ऑर्गेनिक जो
कंपोस्ट है, ये सबसे होता है, काउडांग ये सब होता है, इसमें कोई खाद फर्टिलाइजर नहीं डालते। इसमें बेसिकली पाइनएप्पल बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है त्रिपुरा में, वो ऑर्गेनिक में ऑल इंडिया में, और कोई सिर्फ पाइनएप्पल हम लोग जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये लोग ऑर्गेनिक, पूरा पाइनएप्पल इसका ऑर्गेनिक है। उसके बाद जैक फ्रूट भी ऑर्गेनिक है, उसके अलावा आपका अदरक जिंजर जो बोलते हैं एंड हल्दी टर्मरिक, वो भी हम लोग ऑर्गेनिक से उगाता है। ये बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी, उसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सो हम लोग इसमें एग्रीकल्चर में भी हम लोग जैसा जूम का स्टिकी राइस होता है और फॉक्सटेल मिलेट है जो कंगनी बोलते हैं हिंदी में, ये सब ऑर्गेनिक, बाड़ाई चिली है, ये सब ऑर्गेनिक, इसमें कोई खाद नहीं डालते हैं। तो ये त्रिपुरा में ऑर्गेनिक जो कल्टिवेशन है डे बाई डे बहुत इंक्रीज हो रहा है, एंड इन फ्यूचर हम लोग का यह बहुत ऑर्गेनिक जो FPCs है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स जो कंपनीज है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारा अभी रजिस्टर्ड हो गया त्रिपुरा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।